सो गाइस, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक आपके लिए न्यू वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके भी मोबाइल का ओटीपी चेक करना है तो कहाँ पे करें और किस तरह से करें, वो चीज़ मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो गाइस, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कर देना। तो गाइस, अपन को क्या करना है कि अगर आपके कोई मैसेज आया हुआ है तो उससे उससे आप कैसे पता चले या कैसे आप पता लगाए, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, मैसेंजर ओपन कर देना। ये मेरा मैसेज का ये है, इसे मैं ओपन कर देता हूँ। जैसे कि ये मैं ओपन करता हूँ, अगर इसमें मैसेज आया होगा तो इसमें जैसे कि यहाँ पे किसी ओटीपी का मैसेज आया होगा। पहले का उदाहरण तौर पर आपको मैं बताता हूँ, ये ओटीपी का, जैसे कि मेरे ये किसी ने भेजा था तो ओटीपी का आया, तो ये 6 डिजिट का है ओटीपी। यहाँ से आप ओटीपी कॉपी कर सकते हो गाइज, एक तो इसमें आएगा और गाइज एक आएगा अगर आप मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर चलाते हो तो इसमें भी आपके ओटीपी मोबाइल का आ सकता है। यहाँ पे कहीं भी ओटीपी आ सकता है। और गाइज, अगर आपके इसमें भी नहीं आया है तो गाइज आप जीमेल चेक कर सकते हो। यहाँ पे जाना है आपको, जीमेल ओपन कर लेनी। जीमेल ओपन करने के बाद अपन को क्या करना है वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे आ जाएगा या रिप्रेस अपन को कर देना है। रिप्रेस करने के बाद यहाँ पे नहीं आया तो 3 डॉट की लाइन पर क्लिक करना है और स्पाम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे तो आ ही जाएगा ओटीपी। यहाँ से आप चेक कर सकते हो गाइस कि यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं आया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ओटीपी आया ही नहीं है गाइस। ये सबसे पहले तो मैसेज पर आएगा, इस आए वाले आइकन पर आपके ये आएगा। तो गाइज, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।